ये है गंगा निकुंज और सावन का आखिरी दिन। और ये आप व्यू देख सकते हैं, अल्टीमेट व्यू और ग्रीनरी चारों तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइस, आजकल मेरे एमए के पेपर चल रहे थे जो कि अब कंप्लीट हो गए हैं और आज लास्ट पेपर है। तो अभी गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आप बने रहें ब्लॉग में। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करना ना भूलें। और लेट्स गो। तो गाइज, अब यहाँ से हम निकल गए। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है टटाओ कॉलेज, डिग्री कॉलेज ऑफ बड़कोट। और ये बड़कोट से अराउंड ऑफ 7 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और इसके बाद पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइज, आज सावन का लास्ट डे है तो हमने सोचा, क्योंकि जिनके साथ मैं आता हूँ मैडम, उन्होंने कहा कि आज सावन का लास्ट डे है तो शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाना है, तो पहले हम गंगनानी जाएंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। तो मैं भी एग्री हो गया और हम यहाँ से निकल गए गंगनानी के लिए। आप ग्रीनरी देख सकते हैं, आजकल सावन के महीने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। बाकी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पुल क्रॉस करते ही आप नीचे देख सकते हैं यमुना माता का पानी बहुत ज़्यादा आजकल जो है मिट्टी इसमें आ रही है क्योंकि बरसात कंटिन्यू है। अभी गंगनानी आ गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको आज का सीनरी। वाओ, ये देखो गाइस, अभी क्या है कि मैं टटाओ गया था एग्जाम के लिए और साथ में अभी आया गंगनानी जल चढ़ाने के लिए, तो अभी निकलते हैं जरा यहाँ से। ये देखिए आप गंगनानी के रिजॉर्ट का व्यू। और गाइस, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बादल फटने से इधर बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी, और ये देख सकते हैं आप मेन रोड जो गंगनानी का, ये भी टूट गया था। पहुंच गए हम गंगनानी और अब गेट से एंटर करेंगे अंदर। बाकी मुझे लग रहा है आज यहाँ पे कोई देवी देवता आ रखे हैं, आवाजें तो आ रही है यहाँ पर उतरने वाली। ये एक प्राचीन मंदिर ये भी है। तो पहुंच गए मंदिर, तो आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है आज। जय हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ये देखिए आप, गंगा का पानी फुल भर चुका है। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है सिद्धपीठ, भागीरथी शिला इसको बोलते हैं और शिवलिंग भी इसको यहाँ पर माना जाता है, और इसी के ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं। और सावन का लास्ट डे आज है तो कई सारे लोग हर गांव से यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जिन्होंने व्रत रखा था सावन का, जैसे कुछ लेडीज होती हैं, और यहाँ पर आके जल स्नान भी करते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं जो कि पूरी हो जाती है। और काफ़ी प्रसिद्ध स्थल ये यहाँ पर माना जाता है जहाँ गंगा और जमुना का संगम होता है। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं सिद्धपीठ पे जल चढ़ाते हुए, और इस पे जो है आप सावन के महीने में किसी भी टाइम अगर आप आते हैं इस साइड तो जरूर एक बार गंगनानी विजिट करें और यहाँ पर शिवलिंग पे गंगा जल जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है जमदग्नि ऋषि जो हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके गंगा जल यहाँ पर उत्पन्न करवाया। वो यहाँ से सुबह हमेशा यहाँ से तांबा खाणी उत्तरकाशी जाया करते थे और वहाँ से गंगा जल लेके यहाँ पर शिवलिंग पे अभिषेक किया करते थे, लेकिन जो वृद्धावस्था में हुए तो जाने में असमर्थ थे और उन्होंने यहाँ पर प्रतिज्ञा करी। और गंगा माँ ने प्रसन्न होकर तांबा खाणी से, कहा जाता है यहाँ पर डायरेक्ट गंगा जल निकलता है। और जो ये सिद्धपीठ आप देख पा रहे हैं, कहा जाता है कि ये आगे आगे चलते रहे और इनके पीछे गंगा जल आता रहा। तो गाइज, ये यहाँ की मान्यता है, आप यहाँ पर आते हैं तो पंडित जी से और इसके बारे में जान सकते हैं। बस सावन के महीने में वापस आ गए हैं। टी शर्ट तो हमारी गीली हो गई पूरी। और ये देखिए
बड़े आराम से चल रहे हैं। आ जाओ। सब बच गए, मैं भीग गया यार। मैं सोचा भी था आराम से जाऊंगा, पर मैं ही फिसल गया। चलो पहले घर पहुंच। ऐसे गिल्ली पहन ली यार मैंने, तो हम निकल रहे थे यहाँ से। चलो सनरूफ का पूरा फायदा उठाते हुए ये देखो बाबा दो दुख सिंह। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हैं, पूछ तो लो क्या कह रहे, क्या क्या पूछ रहे। रोड स्लाइडिंग नहीं, ठीक है अभी। हाँ खुला है अभी, ठीक है जाइए आगे तक। आगे तक तो ठीक है, रुक जाएंगे आगे। उधर की साइड गिर रहा है बैंक का, उधर का अपडेट आपको देंगे। एंड गाइस अब जा रहे हैं हम घर की ओर, और आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गंगानी से वापस आ गए हैं। मैं तो भैया आप बता दो अपने फोन से उधर से एक।